हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 4 फरवरी 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और इस न्यूज़पेपर में हम उन हेडिंगों को डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होंगी, यानी कि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगी, उसका एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम एडिटोरियल पेज को देखेंगे, एडिटोरियल पेज में कौन से आर्टिकल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, एडिटोरियल इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि हर एडिटोरियल में कोई ना कोई ऐसे फैक्ट्स पॉइंट्स दिए रहते हैं जो हमारे लिए आंकड़ों का काम करते हैं, यानी कि उसको अगर हम नोट कर लें तो वो कहीं ना कहीं से एग्ज़ाम में हमारी हेल्प करते हैं। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे मेन हेडिंग जो दैनिक जागरण ने बनाया है वो है कि शाहीन बाग का प्रदर्शन संयोग नहीं प्रयोग है। ये प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आया है, जो प्रदर्शन चल रहा है वो राष्ट्रहित में नहीं है, ऐसा इन्होंने बोला है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है कि कोरोना का एक और मामला सामने आया है, केंद्र ने इस पर एक समिति का गठन भी कर दिया है। तो इस न्यूज़ को हम देख लेते हैं। इस न्यूज़ में ये बताया गया है कि कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए और इसके बचाव के लिए एक समिति बनाई गई है, और इस समिति को स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के नेतृत्व में बनाया गया है, जिसमें मौजूदा हालात का प्रेजेंटेशन दिया गया है इस बैठक में जो हर्षवर्धन ने जिसकी अध्यक्षता करी थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा ने भी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हालात का जायजा लिया है। वहीं केरल में कोरोना वायरस से पीड़ित एक और केस की पुष्टि होने के बाद देश में इससे पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़कर 3 पहुंच गई है। तीनों की संख्या जो सामने आई है, 3 लोगों की, वो केरल में ही आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों और सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल समूह की बैठक में हर्षवर्धन के अलावा नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी, क्योंकि वहाँ से चीन से यात्री लाए जा रहे हैं, विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और जहाज रानी मंत्री मनसुख लाल मंडाविया के अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए थे। और इसमें यह भी घोषणा की विचार किया गया है कि इस बीमारी को और भारत में फैलने से किस तरह से रोका जाए। अब तक चीन से 645 लोगों को वहां से निकाला जा चुका है, यानी कि लाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने यह बताया कि अभी तक चीन से 645 लोगों को लाया जा चुका है, जिन्हें सेना और आईटीबीपी के विशेष कैंपों में रखा गया है। आईटीबीपी ने कहा है कि उनके यहाँ 406 लोग अभी जो भर्ती हुए थे उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। इसके अलावा 72,353 यात्रियों की 11 हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग की जा चुकी है चीन में। और ये जो आप पिक देख रहे हैं, ये वहाँ के हरियाणा के मनोसर स्थित भारतीय सेना के कैंप में सोमवार को एक चिकित्सक कर्मी कोरोना वायरस से सुरक्षा वाला ड्रेस पहनकर काम कर रहा है। देखिए, ये सुरक्षा वाली ड्रेस है। अब नेक्स्ट हेडलाइन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हेडलाइन है कि अंतर जातीय विवाह से जुड़े नियमों में सरकार देगी ढील। अब ये ढील क्या होगी और ये नियम क्या है और ये आर्टिकल क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सालाना 500 ऐसी शादियों का लक्ष्य होता है, मतलब इस जो नियम है इसमें प्रत्येक वर्ष 500 शादियों का लक्ष्य रखा जाता है जो कि पूरा नहीं हो पाता है। अब क्यों, इसके रीज़न क्या है, आइए देखते हैं। इसके तहत जो हिंदू मैरिज एक्ट है के अलावा हिंदू विवाह की प्रचलित दूसरी पद्धतियों से विवाह करने का भी अब इसके तहत इसके दायरे में आ जाएंगे जो नए नियम लागू होंगे। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के लड़के या लड़की के साथ सामान्य वर्ग की लड़की या लड़के को विवाह करना होता है, ऐसे विवाह करने वालों को सरकार 2.5 लाख रुपए तक की वित्तीय मदद करती है। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक अंतर जातीय विवाह योजना में बदलाव का यह फैसला तब लिया गया है जब सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद हर साल ऐसी 500 शादियों का लक्ष्य हासिल नहीं हो पा रहा है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 2018-19 में
इसके तहत मात्र 120 शादियां हो पाई थी, और जो 2019-20 का वित्त वर्ष है उसमें अभी तक मात्र 60 शादियां ऐसी हो पाई हैं। यही वजह है कि मंत्रालय ने अब हिंदू विवाह की सभी प्रचलित पद्धतियों के तहत होने वाले विवाह को इस दायरे में लाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। सरकार फिलहाल इस योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय से जुड़े अंबेडकर फाउंडेशन के जरिए संचालित करती है। इससे पहले सरकार ने इस योजना को आकर्षक बनाने के लिए इसके तहत मिलने वाली वित्तीय मदद को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया था। कुछ आंकड़े दिए गए हैं, वो देख लीजिए। प्रमुख राज्यों को अंतरजातीय विवाह के लिए दिए गए लक्ष्य, जो लक्ष्य दिए गए हैं वो देख लीजिए। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश को 102, बंगाल 54, तमिलनाडु 36, बिहार 41। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। नेक्स्ट हेडलाइन की तरफ आते हैं। देखिए नेक्स्ट हेडलाइन है कि भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हो गया है। भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच आपसी सहयोग व मेलजोल को बढ़ाने के उद्देश्य से वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 9 का नवा संस्करण सोमवार को मेघालय के उमरोई में शुरू हो गया है। रक्षा मंत्रालय की ओर से एक बयान में बताया गया कि 14 दिवसीय यह सैन्य अभ्यास 16 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान दोनों देशों के सैनिक संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत उग्रवाद व आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए पर्वतीय व जंगली इलाकों में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के साथ कमांड पोस्ट एक्सरसाइज और फील्ड ट्रेंडिंग सॉरी ट्रेनिंग एक्सरसाइज आदि करेंगे। और इस अभ्यास में बांग्लादेश की सेना के 31 अधिकारियों एवं 138 विभिन्न रैंक के सैनिक के प्रतिनिधि मंडल के साथ भारतीय सेना की ओर से इतनी ही संख्या में एक समूह भाग ले रहे हैं। दरअसल संप्रीति भारत व बांग्लादेश के बीच एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय रक्षा अभ्यास है जिसकी मेजबानी दोनों देश बारी बारी से करते हैं। जैसे इस वर्ष मेघालय में हो रहा है, तो अगले साल ये बांग्लादेश में आयोजित होगा। नेक्स्ट हेडलाइन की तरफ आते हैं। देखिए नेक्स्ट हेडलाइन है कि आईफा अवार्ड 27 से 29 मार्च को इंदौर और भोपाल में होंगे आयोजित। इस न्यूज में यह है कि 31वां आईफा अवार्ड समारोह संयुक्त रूप से इंदौर और भोपाल में होगा। यह आयोजन 27 से 29 मार्च को डेली कॉलेज में होगा। आईफा से जुड़ा एक कार्यक्रम 21 मार्च को भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट हेडलाइन पर आते हैं। देखिए अब हम एडिटोरियल पेज पर आ गए हैं। एडिटोरियल पेज पर तीन आर्टिकल हैं। पहला है उच्च सदनों की उपयोगिता का सवाल, दूसरा आर्टिकल है नकारात्मकता का प्रदर्शन, ये बजट से रिलेटेड है लेकिन इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स नहीं हैं जिसे हम डिस्कस कर सकें और ना ही इसमें है। और ये जो एक आर्टिकल दिया हुआ है कि आम आदमी के पास पहुंचे पद्म सम्मान या पद्म पुरस्कार, ये आर्टिकल बहुत अच्छा है। इसमें ये बताया गया है कि कैसे एक आम आदमी की पहुंच अब उच्च सम्मानों तक हो पा रही है, यानी कि वो हकदार हैं इस सम्मान को पाने के जो काम तो कर रहे थे लेकिन वहाँ ना तो उनके तक मीडिया पहुंच रही थी ना उनके काम को दुनिया देख पा रही थी। तो अब ऐसे लोगों को यह पुरस्कार दिया जा रहा है जो इसके असली हकदार हैं। तो इसी पर है यह आर्टिकल, आइए डिस्कस करते हैं। इस आर्टिकल में सबसे पहले ये दिया गया है कि पिछले 5 वर्षों का अपना इतिहास दोहराते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने इस बार भी गणतंत्र दिवस पर पद्म पुरस्कारों द्वारा देश की साधारण जनता को उनके असाधारण कार्यों के लिए देश की तरफ से एक सम्मान दिया है। हालांकि कुछ विवाद भी उठे हैं लेकिन देखा जाए तो मोदी सरकार ने अभिजात्य घेरे में दशकों से बंद इन पुरस्कारों को आम जनता के हित में और आम जनता की पहुंच तक पहुंचा दिया है। यानी कि अभी तक जो सम्मान होता था, एक कमेटी बनती थी जिसमें कि नेता ही शामिल होते थे और वो कुछ चुनिंदा लोगों को, ऐसे आपने भी नोटिस किया होगा कि पुरस्कार पहले ऐसे लोगों को दिया जाता था जिनको आप जानते थे, कोई अभिनेता, नेता या फिर कोई कार्यकर्ता होता था पार्टी वगैरह का। लेकिन अब जो आप पद्म पुरस्कार की श्रेणी या फिर पद्म पुरस्कार की श्रेणी के तहत जो नाम देखेंगे, आपको कई ऐसे नाम मिलेंगे जब जो कभी आपने सुने ही नहीं होंगे आज तक। क्यों? क्योंकि वो
ऐसे इलाकों से आते थे और ऐसे इलाकों में कार्य करते थे जहाँ की पहचान ना तो मीडिया दिखाता था और ना आप उसे न्यूज़पेपर कहीं पर देख पाते थे। तो उसी के तहत ही है ये आर्टिकल। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें ये दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मान में शुमार पद्म पुरस्कार, कला, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल और सिविल सेवा इत्यादि के संबंध में दिए जाते हैं। इन श्रेणियों में पद्म पुरस्कार ये दिए जाते हैं। अगर कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए तो 2014 से पहले ये पुरस्कार एक तरह से विशिष्ट लोगों तक ही सीमित थे, यानी कि इस पे वीआईपी कल्चर लागू था। हर नागरिक के योगदान के महत्व को देते हुए पद्म पुरस्कार देने की पूरी प्रक्रिया को अब बदल दिया गया है। अब व्यक्ति के संपर्क अथवा पहुंच के बजाय उसके काम को ज्यादा महत्व दिया जाना शुरू हुआ है, यानी कि अब दिया जा रहा है। पहले प्रधानमंत्री और कुछ प्रभावशाली मंत्रियों के हाथों में यह होता था। ये पुरस्कार किन लोगों को दिया जाए, ये सिर्फ प्रधानमंत्री या फिर जो नेता लोग होते थे, एक कमेटी बनती थी, उसी में विचार विमर्श हो जाता था और लिस्ट जारी हो जाती थी। अब इसमें परिवर्तन किया गया है। एक तो नामांकन को ऑनलाइन कर दिया गया है, यानी कि अगर आपको लगता है कि आप काबिल हैं, आपके क्षेत्र में कितना काम हुआ है, तो सबसे पहले तो इसे अब ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत पारदर्शी कर दिया गया है, यानी कि अब ऑनलाइन आसान कर दिया गया है ताकि कोई भी इन पुरस्कारों के लिए आवेदन कर सके। सबसे अच्छी चीज़ और सबसे मेन पॉइंट जो है यही है कि ऑनलाइन कर दिया गया है। अगर आपने कुछ ऐसा किया है जिससे समाज में परिवर्तन आया है, तो आप अपनी योग्यता के देखते हुए उसे अपने आवेदन को ऑनलाइन कर सकते हैं। यही नहीं, कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की गई है। अब कैबिनेट स्तर के जो सेक्रेटरी होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी, वो समिति की अध्यक्षता करते हैं। इस समिति में अन्य लोगों के अतिरिक्त विभिन्न प्रतिष्ठित विद्वानों, शिक्षाविदों, समाज शास्त्रियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को रखा जाता है। यानी कि अब नेताओं से दूर जो उस क्षेत्र के चुनिंदा व्यक्ति होते हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, अब वो उस समिति में होते हैं। समिति को स्पष्ट निर्देश दिया जाता है कि वह जाति, मजहब या क्षेत्र आदि से परे जाकर और सिर्फ उच्च वर्गीय लोगों तक सीमित ना रहकर सुदूर क्षेत्रों या कोने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सूची में डाले। यह अनायास नहीं है कि 2014 के बाद देश के ऐसे अति साधारण लोगों को पद्म पुरस्कार मिल रहे हैं जो आम तौर पर अखबारों की सुर्खियां, टेलीविजन की सनसनीखेज खबरों अथवा बड़े-बड़े समारोह में दिखाई नहीं पड़ते हैं, बल्कि उन्होंने वास्तव में समाज और देश के लिए असाधारण कार्य किया है। इस प्रकार से गांवों, कस्बों और छोटे छोटे शहरों में रहने वाले उन लोगों को मोदी सरकार ने सम्मानित करना शुरू किया है जो गुमनामी में रहकर नाम और इनाम की परवाह किए बिना अपना निज काम किए जा रहे थे, यानी बिना किसी स्वार्थ के कार्य कर रहे थे। अगर हम 2020 के पद्म पुरस्कारों की सूची को देखें, कई नाम ऐसे हैं जिन्हें शायद कोई जानता तक नहीं है। बड़ी बात नहीं है कि जिस मोदी सरकार को दलित और आदिवासी पर यह बोला जा रहा था कि उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो उसको पूरी तरीके से इसमें खारिज कर दिया गया है। अगर कुछ नामों पर हम गौर करें, जैसा कि इस आर्टिकल में लिखा गया है, देखिए इसमें है कि मैला ढोने वाली अति दलित समुदाय की राजस्थान की उषा चौमर, केरल के दलित सामाजिक कार्यकर्ता एम के कुंजोल, हल्दी की खेती को लाभकारी आंदोलन में बदलने वाली मेघालय की आदिवासी किसान महिला ट्रिनिटी साइयो, बीज माता के नाम से प्रसिद्ध महाराष्ट्र के एक गांव की रहने वाली आदिवासी महिला राही बाई सोम पोपरे, ऐसे कई नाम हैं जिनको आप इसमें पढ़ सकते हैं। और भी नाम मैं पढ़ देता हूँ। भजन गायक राम जान खान उर्फ मुन्ना मास्टर, 2 दशकों से अधिक समय से बच्चों की मुफ्त शिक्षा प्रदान कर रहे जम्मू कश्मीर के दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ता जावेद अहमद टाक, 1984 के भोपाल गैस त्रासदी के बचे लोगों के लिए संघर्ष करने वाले अब्दुल जब्बार और गुजराती व्यंगकार एवं शिक्षाविद साहबुद्दीन राठौर प्रमुख हैं। मतलब देखिए, जो 1984 में भोपाल गैस त्रासदी कांड हुआ था, ये उन लोगों को बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए तब से कार्य कर रहे थे। तो अगर देखा जाए तो इन्हें तो पद्म पुरस्कार काफी पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन इन्हें अब मिल रहा है। तो ये कुछ कमियां थी जिसको इस सरकार ने दूर किया है। और
इस बार जो सूची जारी हुई है पद्म पुरस्कारों की, उसमें 19 मुसलमान भी शामिल हैं। पद्म सम्मान पाने वाले नामों के जरिए इस तरह से अतिवादियों, अस्मिताई राजनीतिज्ञों और दिल्ली को एक संदेश, यानी कि दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार ने एक संदेश दिया है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ही इस सरकार का मूल मंत्र है। स्पष्ट है कि वह दौर बीत गया जब पहुंच वालों को ही यह पुरस्कार मिलता था। अगर आप इसमें ये होगा कि अब जो लोग कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, अब समाज के उत्थान के लिए कई ऐसे लोग आगे आएंगे जो समाज का हित कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हेडलाइन की तरफ आते हैं। देखिए, अब बजट पेज है, और मतलब अर्थशास्त्र वाला, अर्थ वाला जो पेज था वो इस समय बजट का पेज चल रहा है। तो इसमें कौन सी हेडलाइंस हैं वो देख लेते हैं। कि पहली बात तो इसमें ये दिया गया है कि 4 नई वंदे भारत ट्रेनों की तैयारी हो गई है। सबसे पहले इस न्यूज़ को देख लेते हैं। इस न्यूज़ में ये बताया गया है कि रेल बजट में तेजस जैसी कई और ट्रेनें चलाए जाने का वादा किया गया है। हालांकि इनका ब्यौरा नहीं दिया गया है, लेकिन माना जाता है कि ये ट्रेनें वंदे भारत सीरीज की हो सकती हैं। इसका संचालन निजी कंपनियों के सहयोग से रेलवे द्वारा किया जाएगा। अगले 1 वर्ष यानी कि 2021 31 मार्च तक 3-4 वंदे भारत ट्रेनें तैयार हो जाएंगी। जैसे जैसे ये तैयार होती जाएंगी उनका संचालन होता जाएगा। यदि उत्पादन में विलंब हुआ तो तेजस के पैटर्न पर दूसरी रैंक बनाकर उन्हें चलाया जा सकता है। इसकी वजह से यह अधिक किराए के बावजूद कम रफ्तार में होने से तेजस ट्रेनों में यात्रियों की बुकिंग अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। इसे देखते हुए रेलवे ने इसकी रैंक का उत्पादन बंद करने का निर्णय लिया है। इनके स्थान पर 160 किलोमीटर तक की रफ्तार पर चल सकने वाली वंदे भारत या गतिमान जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाई जाएगी। कुल मिलाकर इस वर्ष तेजस से बेहतर रफ्तार वाली 4 ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव रेलवे द्वारा पारित किया गया है। और आने वाले समय में पीपीपी यानी कि प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो ट्रेनें चलाई जाएंगी उसमें 150 ट्रेनों का लक्ष्य रखा गया है इस बजट में। नेक्स्ट है, करदाताओं को नई प्रणाली से मिलेंगे बचत के विकल्प। इसमें ये बताया गया है आर्टिकल में कि करदाताओं को जो अब नई प्रणाली के तहत लाया जाएगा उसमें कितनी बचत है और किस विकल्प को वो अपना सकते हैं। इसमें ये बताया गया कि इसके लागू होने के बाद करदाताओं को सेविंग स्कीम पर नजर रखने की जरूरत नहीं होगी। नई टैक्स प्रणाली के तहत बिना किसी छूट के कम टैक्स दर का विकल्प मौजूद होगा। हालांकि इसे चुनना या नहीं चुनना पूरी तरह से करदाता पर निर्भर करेगा। वह चाहे तो पुराना विकल्प भी चुन सकता है। अगर मौजूदा टैक्स प्रणाली की छूट के लिए कई सबूत उपलब्ध कराने पड़ते हैं, इनमें बीमा पॉलिसी और घर के किराए की रसीद जैसे दस्तावेज शामिल हैं। वैकल्पिक टैक्स प्रणाली में इन सब की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही करदाताओं को विशेषज्ञों की राय भी नहीं लेनी पड़ेगी। पांडे ने बताया कि साधारण गणित का जानकार व्यक्ति भी आसानी से इस टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकेगा। और इसमें यह भी बताया गया है कि राजस्व सचिव ने कहा है कि पुरानी प्रणाली के तहत किसी व्यक्ति की आय 10 लाख रुपए है और उसे 1.25 लाख रुपए तक के लाभ प्राप्त होते हैं, वह नई टैक्स प्रणाली में भी बिना कोई सबूत उपलब्ध कराए लाभ प्राप्त कर सकता है। पांडे ने कहा कि इस तरह का सिस्टम कई बड़े देशों में पहले से मौजूद है। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में 6-7 टैक्स लैब मौजूद हैं। टैक्स लैब अधिक होने से बढ़ी हुई आय को छिपाने की कोशिश में कमी होगी। यदि किसी कंपनी की आय 5% से बढ़कर 20% हो जाती है तो वह अधिक टैक्स देने से बचने के लिए आय छिपाने की कोशिश करता है। नए कराधान से ऐसी कोशिशों को हतोत्साहित करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट हेडलाइन की तरफ आते हैं। एक आर्टिकल है इसमें कि एक जिला एक बाग लाएंगे पिछड़े जिलों में कमाई की बहार। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि सरकार अब पिछड़े इलाकों को किस तरीके से ये जो अर्थ है उसमें जोड़ा जाए। इसमें ये बताया गया है कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य लेकर चल रही सरकार ने बागवानी क्षेत्र के विकास का खाका तैयार कर लिया है।
यह आम बजट 2020-21 में दिखा भी है, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बागवानी क्षेत्र के लिए भी एक जिला एक उत्पाद योजना की घोषणा की है। यह योजना बागवानी विकास के लिए क्लस्टर आधारित योजना तैयार करने वाले राज्यों में प्राथमिकता के आधार पर लागू होगा। क्लस्टर में प्रजातियों के विकास, उनके उत्पादन प्रसंस्करण और विपणन प्रशिक्षण जैसी सुविधा मिलेगी। गांव के किसानों को वैश्विक बाजार से जोड़ने में मदद मिलेगी, जो उनकी कमाई बढ़ाएगा। सरकार ने यह सपना यूं ही नहीं देखा है। बीते वित्तीय वर्ष में उद्यान क्षेत्र का उत्पादन 31.10 करोड़ मीट्रिक टन रहा, जो देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन से अधिक रहा है। चालू वित्त वर्ष में इसे बढ़ाकर 31.30 करोड़ मीट्रिक टन पर पहुंचने की संभावना है। वहीं अन्य वस्तुओं का निर्यात जहां 1.5 से 2% की रफ्तार से बढ़ रहा है, वहीं ताजे फल एवं सब्जियों का निर्यात 14% की वृद्धि से विदेशी मुद्रा भंडार को अपना योगदान दे रहा है। प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियों के क्षेत्र में यह विकास दर 16.27% है। भारत से सर्वाधिक फल एवं सब्जियों का निर्यात खाड़ी देशों में होता है। अब नेक्स्ट हेडलाइन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट है कि श्रीलंका ने समारोह से हटाया तमिल राष्ट्रगान। श्रीलंका ने 72वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में तमिल भाषा में राष्ट्रगान नहीं करने का निर्णय लिया है। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रगान केवल सिंहली, देखिए दिया होगा, सिंहली भाषा में करने का घोषणा की है। नेक्स्ट हेडलाइन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट हेडलाइन है कि अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी पार्टी में राष्ट्रपति उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। डेमोक्रेटिक पार्टी विपक्षी पार्टी है। अमेरिका की विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी में सोमवार से राष्ट्रपति उम्मीदवार को चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्योंकि इस वर्ष नवंबर 2020 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी ने में लगभग 11 उम्मीदवार हैं, अब जिसमें कि सैंडर्स को जो बिडेन पर मामूली बढ़त मिली पड़ी है। पूर्व जो सरकार थी उसमें जो बिडेन उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट हेडलाइन है कि ईयू ने ब्रिटेन से की है खास व्यापार समझौते की पेशकश। देखिए ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से 31 जनवरी को अलग हो गया है, उसके बाद ईयू ने पेशकश ये की है। यूरोपीय यूनियन ने ब्रिटेन से खास व्यापार समझौते की पेशकश की है, लेकिन मछली के कारोबार को लेकर कड़ी शर्तें रखी हैं। ईयू ने कारोबार के लिए समान स्थिति रहने की भी अपेक्षा जताई है। उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन 31 जनवरी को ही 27 देशों के समूह से अलग हुआ है। ब्रिटेन के साथ संबंधों के लिए मुख्य वार्ताकार मिशेल बर्नियर ने कहा है कि हम शून्य कराधान पर ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौता करने को तैयार हैं, लेकिन हम किसी तरह का गलत तरीके का व्यापारिक मुकाबला बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन यूरोपीय कमीशन की राष्ट्रपति उर्सुला वॉन डियर लियन ने कहा है कि ब्रेग्जिट के लिए पूर्व में हुए समझौते के मुताबिक ही कार्य किया जाएगा, कोई भी हैरान करने वाला फैसला नहीं होगा। नेक्स्ट हेडलाइन है, इराक के प्रदर्शनकारियों ने नामित प्रधानमंत्री तौफीक अलावी को अस्वीकार कर दिया है। प्रदर्शनकारी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं जिसका पार्टी से संबंध ना हो, यानी कि वो किसी पार्टी से ना हो। बीते शनिवार को निवर्तमान प्रधानमंत्री अदेल अब्दुल महदी की जगह पूर्व संचार मंत्री अलावी को प्रधानमंत्री नामित किया गया था, लेकिन जो राजधानी है देश की बगदाद के सेंट्रल प्लाजा में रविवार को आयोजित रैलियों में भाग ले रहे छात्रों ने एक सुर में अलावी को चैन से नकार दिया है। नेक्स्ट हेडलाइन की तरफ आते हैं। देखिए स्पोर्ट्स पेज पर आ गए हैं, इसमें ये दिया है कि अंडर 19 विश्व कप का महामुकाबला आज, यानी कि अंडर 19 विश्व कप जो साउथ अफ्रीका में चल रहे हैं, उसमें आज भारत और पाकिस्तान का पहला सेमीफाइनल मुकाबला है।
देखिए हम वो पॉइंट देख लेते हैं जो आज के न्यूज़पेपर में इम्पोर्टेंट थे कि ईयू ने ब्रिटेन से व्यापार समझौते की पेशकश की है। नेक्स्ट है, इराक में प्रदर्शनकारियों ने नए प्रधानमंत्री मोहम्मद तौफीक अलावी को मानने से इनकार कर दिया है। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसे संकट के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली ग्रेटा थनबर्ग को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। श्रीलंका के 72वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में तमिल भाषा में राष्ट्रगान नहीं होगा, अब राष्ट्रगान केवल सिंहली भाषा में होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जम्मू कश्मीर में अब स्टेट सब्जेक्ट की जगह मिलेगा डोमिसाइल। अभी तक वहां पर स्टेट सब्जेक्ट बोला जाता था और 1951 का वोटर आईडी कार्ड मांगा जाता था, यानी कि 1951 से जो वोटर आईडी बन रहे हैं उसके बाद से वो मांगा जाता था, लेकिन अब वहाँ पर डोमिसाइल व्यवस्था लागू हो जाएगी, यानी कि आप वहाँ के स्थायी निवासी हैं, जैसे आप अपने घर का बनवाते हैं डोमिसाइल, वैसे अब वहाँ पर भी बनेगा क्योंकि 370 वहाँ से हटा लिया गया है। नेक्स्ट है, इस वर्ष आईफा अवार्ड 27 से 29 मार्च को इंदौर भोपाल में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतरजातीय विवाह के नियमों में ढील मिलेगी, क्योंकि कई तरीके से जो हिंदू विवाह होते थे अब उसको एक जगह रजिस्टर्ड किया जाएगा। हर साल होता है 500 शादियों का लक्ष्य, और 1 लाख रुपए से सहायता राशि कर दी गई है, 2.5 लाख रुपए की मदद, वित्तीय मदद। एक न्यूज इसमें रह गई है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच युद्धाभ्यास शुरू हुआ है, संप्रीति 9, वो भारत और बांग्लादेश के बीच युद्धाभ्यास शुरू हुआ है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि संप्रीति युद्धाभ्यास का नवा संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हो रहा है, तो आपका आंसर होगा बांग्लादेश। ये आज का यानी कि 4 फरवरी 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।